फ्रेंड मैं हूँ शहाबुद्दीन, प्रोफेशनल ट्रेनर शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड से। फ्रेंड मेरे पीछे मेरे सभी स्टूडेंट वहाँ पे, और आज मैं अपने स्टूडेंट को क्या सिखाने वाला हूँ ये वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। ये ब्लॉगिंग टाइप का वीडियो रहेगा। पहले पाइपलाइन निकालने के लिए दिया है, लेकिन आज उन लोगों को हम टेस्ट ले रहे हैं कि सबसे बेहतर पाइपलाइन कौन निकाल पाएगा। तो सभी लोग वहाँ पे देख रहे हैं लाइन लाइन, जो हम लोग पाइपलाइन निकालेंगे और हम लास्ट में रिजल्ट देखेंगे कि सबसे बेहतर कौन कर पाता है। जो बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा उसको हम कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। तो देखते हैं कि कौन अच्छा कर पाता है, कौन प्राइज़ जीतता है। इसका नाम है लालू और ये अभी यहाँ पे पाइपलाइन निकाल रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि पाइपलाइन कितना बढ़िया तरीके से निकाल पाते हैं। तो बोला है कि 3 फीट खड्डा करो और 4 ही हमें फिनिशिंग करके दिखाओ। तो ये सभी हमारे स्टूडेंट हैं और ये हमारे एक नए स्टूडेंट आए हैं जो कि आज ही आए हैं। तो आपका नाम क्या हुआ जी? इनका नाम है हारून आलम। आप कहाँ से आए हारून? ये आप बिहार के रहने वाले हैं? ये सिवान जिला बिहार से आए हैं, लेकिन डायरेक्ट आप कहाँ से आए हो अभी? ये मुंबई से डायरेक्ट आए हुए हैं। और ये है मोहम्मद दानिश, ये है बिलाल और ये है दीपक। ये सभी लोग अलग अलग जगह से आए हैं। तो आज आप लोग क्या करने वाले हो? तो आज इसमें कंडीशन क्या है? आज यही यहाँ पे कंडीशन मैंने रखा है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में सबसे बेहतर कौन पाइपलाइन निकाल पाता है। क्या आप लोगों ने आज पहली बार पाइपलाइन निकाल रहे हैं या पहले कभी किए हैं? यहाँ पे सभी लोग पाइपलाइन किए हैं और देखते हैं कि सबसे बेहतर कौन कर पाता है। यहाँ पे कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, ठीक है? ये अपने आप में छोटा सा है, देखने चाहते कि एक्साइटमेंट के साथ में कौन अच्छा करता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छा करो, ठीक है? और अभी तो फिलहाल वो लालू जो है, लालू मशीन ऑपरेट कर रहा था, फिलहाल उनका हो चुका है। अभी देखते हैं वहाँ पे जाके उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन जाएगा। सर ऐसा होता है, ये एक्साइटमेंट होना चाहिए आप लोग के अंदर में, जो भी जैसे भी सीखना चाहते हैं कि पहले मैं सीखूंगा। ये एक्साइटमेंट रहा तो आप जरूर यहाँ से सीख करके जाएंगे। तो सबसे पहले आप दूसरे नंबर पे आप जाइए, ठीक है? चौथे पे आप जाइए, पाँचवें नंबर पे आप चले जाइए, ठीक है ना? उनका ये साहिल है और ये वीडियो में आना नहीं चाहता फिलहाल, वो वीडियो में नहीं आना चाहता, पता नहीं, बोलता है सर मैं वीडियो में नहीं आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये सभी स्टूडेंट हैं, फिलहाल देखते हैं कौन अच्छा करता है। अभी लालू तो हो गए, इन्होंने गुम समेट दिया है और वो अभी नीचे उतर रहे हैं, अभी देखते हैं उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। तो आपका नाम क्या है? लालू, आप कहाँ जाए हो? ये बिहार जाए। तो लालू कैसा लगा आपको अभी? अच्छा लगा। अभी आप क्या काम कर रहे थे? पैटर्न कर रहे थे। तो आज यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया आपको और क्या चैलेंज क्या रखा गया है? जो अच्छा करेगा, कौन अच्छा कर पाता है, कौन ज़्यादा बेहतर कर पाता है, देखते हैं ना। और मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ, जो आप लोगों में जो ज़्यादा बेहतर करेंगे ना उसको मैं कुछ गिफ्ट में दूंगा, ठीक है ना? जो भी हो सकता है गिफ्ट में, ठीक है? तो अभी दूसरे नंबर पे जाएंगे वो, इधर आइए। अभी ये बिलाल जाएंगे और ऑल द बेस्ट है ना, जाइए बढ़िया से कीजिए, ठीक है? चलो जाओ। तो ये बिलाल जा रहे हैं, देखते हैं बिलाल कैसा कर पाए। हमारे दूसरे स्टूडेंट जो है मशीन यहाँ पे लगा रहे हैं साइड पे, अभी ये भी स्टेबलाइजर लगा रहे हैं। अभी जो है दानिश काम चालू कर दिया पाइपलाइन का। फाइनली जो है मेरे सभी स्टूडेंट अपने अपने काम पे खड़े हैं, सभी लोग जो है पाइपलाइन निकाल चुके हैं और अभी हम चलते हैं जो जो काम किए हैं उनके उनके पाइपलाइन पे और देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर किया है। तो सबसे पहले हम लालू के पास चलते हैं और उनका देखते हैं पाइपलाइन। ये है लालू और ये लालू ने पाइपलाइन निकाला है, तो आप देख सकते हैं पाइपलाइन उन्होंने कैसा निकाला है। आप लोग को शायद कैमरे में दिख रहा होगा क्लियरिटी, यानी कि थोड़ा सा चारी टेढ़ा मेढ़ा है, हल्का फुल्का जो है, कहीं कहीं जो है मिट्टी साफ नहीं है, ठीक है? तो लालू आपको ये काम आपको करके कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला इसमें? चलिए, आप कहाँ से आए हैं? ये बिहार से आए हैं। लालू ने जो पाइपलाइन निकाला है ये इनका फर्स्ट पाइपलाइन था, यानी कि पहले नंबर पे यही किए थे। अभी हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। ये है बिलाल और ये बिलाल ने जो है पाइपलाइन निकाला, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पाइपलाइन निकालेंगे, इसका तरीका बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेट है, इन्होंने बहुत ही अच्छा निकाला है। और अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी ये जहाँ तहाँ मिट्टी छोड़ दिया है, नीचे जो है क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो चारी का जो सही है स्टेट निकालने का, लेकिन जो क्लीनिंग है वो उतना बेहतर नहीं है, ठीक है ना? तो आप कहाँ से आए हैं? तो बिलाल आपको कैसा लगा ये पाइपलाइन करके, कुछ सीखने को मिला इसमें? चलिए ठीक है, ये दो हो गए, एक लालू और एक बिलाल। अभी हम चलते तीसरे स्टूडेंट के पास। तो ये पाइपलाइन है दानिश का, ये है दानिश। तो आप इनका पाइपलाइन देख सकते हैं, इन्होंने पाइपलाइन ज़्यादा लंबा नहीं निकाला, बट इनका जो है स्टेट इन्होंने भी निकाला है। और क्लीनिंग की बात करें तो क्लीनिंग आप देख सकते हैं, जहाँ तहाँ मतलब कहीं एक जगह पर खड्डा हो गया, बाकी ठीक है, इनका भी पाइपलाइन जो है ठीक ही है। और ये जो है ये दूसरी बार ये पाइपलाइन निकाल रहे थे और दूसरी बार में ये बेहतर कर पाए हैं। कहाँ से आए हैं आप? ये बिहार से आए। तो सारे ये दानिश आपको कैसा लगा पाइपलाइन निकाल करके, ये कंपटीशन में आपको कैसा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है ना? चलिए ठीक है, तो मज़ा आ रहा है ना? चल बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ये चीज़ करने में मज़ा आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, एक खुशी भी है और एक डर भी है ना? तो बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारे 30 3 स्टूडेंट हो गए
अब हम चलते हैं अपने चौथे स्टूडेंट के पास। ये हमारे चौथे स्टूडेंट का पाइपलाइन है, तो आप देख सकते हैं इनका पाइपलाइन ये हल्का सा मतलब यहाँ पे आकर के टेढ़ा कर दिए हैं। और बात करें क्लीनिंग की तो उतनी बढ़िया तरीके से क्लीन नहीं है, और जहाँ तहाँ मिट्टी रह गया इनका, सामने में ज़्यादा खड्डा हो गया, इधर ऊँचा हो गया। जो भी है चीज़ है हम आप लोग को पूरा क्लियर दिखा रहे हैं। और ये हमारे स्टूडेंट है, आपका नाम दीपक। दीपक आप कहाँ से आए हो? बिहार से। तो दीपक आपको पाइपलाइन निकालने में क्या दिक्कत हुआ? थोड़ा सा खड्डा हो गया है ना, ये आपका सामने में खड्डा हो गया और इधर आपने ऊंचा कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से पाइपलाइन बिल्कुल भी नहीं निकालना है आपको, एक लेवल में निकालना है। जहाँ भी पाइपलाइन निकालेंगे आप, एक लेवल में निकालेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो है उधर खड्डा कर दिया है। तो अभी ये हमारे जो है चौथे स्टूडेंट है, अब हम चलते हैं सीधे पाँचवें स्टूडेंट के पास अपने। तो ये मेरे पाँचवें स्टूडेंट का जो है पाइपलाइन निकाले हैं, और देख सकते हैं कि इन्होंने कैसा निकाला है। इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट निकाला है। बात करें साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है, कोई ज़्यादा इसमें मिट्टी रहने नहीं दी है, बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई किए हैं। और ये आपका नाम क्या है? साहिल। साहिल आप कहाँ से आए हो? गोरखपुर से। तो ये साहिल है, गोरखपुर से आए हैं, और इन्होंने जो है पाइपलाइन निकाला जो कि बहुत ही बढ़िया निकाला है। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन किया, और आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं कि ये सभी स्टूडेंट में से हमारे सबसे बेस्ट कौन किए हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बेस्ट कौन किया है। और उससे पहले कि मैंने भी देखा है कि कौन से कैसे सारे निकाले, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो मैंने सबको एक टाइम पीरियड दिया है कि आपको आधे घंटे में जो है, मैंने एक मार्किंग करके दिया था, एक पॉइंट दिया था कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आधे घंटे में पहुँचना है। दूसरा इसमें कंडीशन ये था कि आपको पाइपलाइन जो है 3 फीट खड्डा निकालना है, पूरा क्लीनिंग करके निकालना है। तो ये सभी कंडीशन थे, और ये सभी कंडीशन में कौन कौन क्वालिफाई किए वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले रैंक पर जो आते हैं वो है बिलाल, आपको बहुत बहुत बधाई हो, है ना। बिलाल जो है बहुत ही अच्छा किए हैं, और इन्होंने जो है, इनको मैंने एक टाइमिंग पीरियड दिया, एक पॉइंट दिया, उस पॉइंट तक उस टाइम के अंदर में इन्होंने आ गए वहाँ पे। और बात करें कि जो चारी निकालने की फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग नहीं है इनके में, थोड़ा सा कमी है फिनिशिंग के लिए, वो हो जाएगा। और इन्होंने जो चारी निकालने का जो स्ट्रेट तरीका है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट निकाले, है ना। ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छा है आपका, जहाँ भी जाए आप ऐसे ही काम करें, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आते हैं अपना साहिल है, और आपको बहुत बधाई हो, है ना साहिल। आपने भी जो पाइपलाइन जो बहुत ही अच्छा निकाला है आपको, लेकिन एक चीज़ में डिस्टर्ब लगा मुझे कि आपने जो है, मैंने एक पॉइंट दिया है कि आपको एक आधे घंटे में यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना होता है, लेकिन आपने जो है उस पॉइंट को टच नहीं कर पाया, ठीक है। ये आपके अंदर में एक डिसवांटेज निकला मुझे, लेकिन आपकी जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग के मामले में और स्टेट के मामले में आप दूसरे देख लाए, ठीक है। बहुत बहुत बधाई आपको, जहाँ भी जाना है अच्छे से काम करना है, और यहाँ पर जो भी चीज़ सीखोगे आप अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे जो रैंक आते हैं वो है हमारे लालू, इसराइल लालू, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन है। आप भी पाइपलाइन जो है बहुत ही अच्छा निकाले हैं। मैंने जो आपको टारगेट दिया, मैंने जो आपको पॉइंट बताया, उस पॉइंट तक आपने बिल्कुल सही समय पे पहुंचे हैं। और बात करें कि आपने तो क्या क्या डिसवांटेज में बता दे रहा हूँ, आपने तो पाइपलाइन बिल्कुल सही निकाला है, हल्का सा आपका पाइपलाइन जो है टेढ़ा हुआ है, और क्लीनिंग जो है थोड़ा सा उसका बेहतर नहीं, तो आप क्लीनिंग भी करेंगे बढ़िया से, और चारी को स्ट्रेट निकालना है। तीसरे रैंक पे ये आते हैं हमारे, और चौथे रैंक पे आते हैं अपने ये दानिश, है ना। तो दानिश आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी बहुत ही अच्छा किए, लेकिन आपके अंदर में जो एक डिसवांटेज मुझे ये लगा कि आपको जो मैंने टाइमिंग दिया था, उस टाइमिंग के पीरियड में जो है जो पॉइंट मैंने आप दिया था, उस पॉइंट को आप टच नहीं कर पाए। बाकी निकालने की जो चारी निकालने का तरीका है वो आपका बहुत ही बढ़िया है, आप स्ट्रेट भी निकाले हैं और क्लीनिंग भी करके निकाले, जहाँ तहाँ आपका रह गया है वो बढ़िया हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा निकाला है। जो अपने पांचवें नंबर पे आते हैं वो है दीपक। अरे दीपक, तो आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पांचवें रैंक पे आए हैं, और आपका जो है यहाँ पे अभी जो पाइपलाइन निकालने का जो टेक्निक है वो थोड़ा सा कुछ आपको मुझे ठीक नहीं लगा आपका। आप जो पाइपलाइन जब निकाल रहे थे तो मैंने आपको समझा के भेजा था, सबको मैंने एक जैसे बताया, तो आप पाइपलाइन तो सही निकाले, लेकिन आपको जो पॉइंट है वो पॉइंट भी टच किए आप, लेकिन वही सामने आप खड्डा कर दिए और इधर आपका ऊंचा हो गया। ये पाइपलाइन निकालने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो पांचवे रैंक पे ये है, और फर्स्ट रैंक पे अपने बिलाल है, सेकंड पे ये साहिल, और थर्ड पे वो है अपने लालू, और फोर्थ नंबर पे अपने दानिश है, और फाइव नंबर पे ये है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे छोटा मोटा एक ये करवाते हैं कंपटीशन कि हमारे स्टूडेंट से कौन सा ज़्यादा बेहतर कर पाता है। तो ज़्यादा बेहतर तो यही किए, और बाकी सभी बेहतर ही करते हैं, सभी लोग अभी सीखने यहाँ आए, तो कोई आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया।
बस यहाँ पे सीखना है। आप लोग सीखने आए हो ना, तो अगर ये बेहतर किए हैं तो आप लोग भी बेहतर करोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिला होगा और मेरे स्टूडेंट को बहुत ही मजा आया आप लोगों को, है ना। और बात मैंने आप लोग को बताया था शुरुआत में, आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को कुछ गिफ्ट दूंगा जो फर्स्ट रैंक आएंगे। तो जो गिफ्ट वाला जो वीडियो है वो नेक्स्ट डे आएगा। नए जो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर किसी भी सीखना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आगे सीख सकते हैं, जिस तरीके से सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अभी हम इनसे जानते हैं कुछ कि आप लोग को यहाँ पे कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी, कोई तरह का दिक्कत है यहाँ पे? अगर कोई आना चाहता है उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया रहेगा, बेफिक्र होगा जाए ना। चलिए, तो आप लोग भी आए यहाँ पे सीखने के लिए, बहुत ही आपको अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत ही कम समय आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो बस आज के वीडियो इतना ही। फिलहाल वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना। अभी जो इन्होंने पाइपलाइन निकाला है, अभी मैं इन्हीं से वो पाइपलाइन बंद करवाऊंगा। जो जो अपना अपना पाइपलाइन निकाले हैं उसी से जो पाइपलाइन बंद करवाऊंगा, वो भी बाइकों से। और उसका भी वीडियो जो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा कि कौन ज़्यादा बेहतर बंद कर पाता है, कौन अच्छे से लेवल कर पाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।